नमस्कार, UPN08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान, आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों। देखते रहिए UPN08। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UPN08 के साथ। मुंगावली से शंभु राठौर की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत महंत महामंडलेश्वर श्री राम गोपाल दास जी के सानिध्य हमेशा धार्मिक कार्यक्रम होते रहे हैं। श्री लक्ष्मी नारायण बड़ा मंदिर मल्हारगढ़ में पहले सुबह मंदिर की पूजा अर्चना कर वशरा मंदिर मल्हारगढ़ मानस भवन पहुँच कर चल रहे 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के 4th दिवस में कथा व्यास श्री महंत रामचंद्र दास श्री महाराज ने 4th दिवस की कथा में कथा के विवरण यूँ बताया कि बंदी ग्राम में भगवान कृष्ण जी का जला हुआ भगवान का जन्म होते हो नंद बाबा अपने लल्ला कोई नकल जमुना पार कराते हुए यशोदा मैया के पास पहुँचे और अपने लल्ला को यशोदा मैया को सौंप कर चले आए। आज 4th दिन भी कथा बड़े ही धूमधाम से शुरू की। भक्तों को ये कथा महंत श्री राम गोपाल दास जी महाराज महाबलेश्वर जी के सानिध्य में चल रहे कार्यक्रम में सभी भक्तों को भक्ति का पूरा आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम हो रहा है, इस अवसर पर आसपास के ग्रामों से भक्तजनों का कथा सुनने के लिए आए सभी कथा सुनने वालों को भक्तजनों को दूर दूर बैठाया जाता है व सभी को सैनिटाइजर कराया जाता है व मास्क लगा कर बैठाया जाता है। ये मंदिर मल्हारगढ़ का प्राचीन व मशहूर मंदिर है। यहाँ आयोजित धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। आज कथा सुनने वालों की कतार लगी कथावाचक के मुखारविंद से कथा सुनकर लोग आनंदित हो रहे थे। मधुर वीणा में कथा का प्रसार किया जा रहा है। कथावाचक की वाणी में वह असर है कि कथा सुनने वाले कथा में मग्न होकर झूमने लगते हैं। इस अवसर पर मल्हारगढ़ के महंत श्री राम गोपाल दास जी महाराज ललितपुर तुवन मंदिर के महंत राम लखनदास उपस्थित थे। चौकी प्रभारी नवल सिंह भदौरिया व कथा के मुख्य यजमान श्री मोहर सिंह गुर्जर आदि उपस्थित थे। कथा दिनांक 24/11/2020 से 30/11/2020 तक चलेगी। आपको बता रहे हैं मेडिटेशन जो ध्यान हम आपसे करवाते हैं उसका प्रैक्टिकल सच बताऊं आपको लास्ट दिन दूंगा। वो सबका रिजल्ट 7 दिन में आपको प्रैक्टिस अभ्यास में डालना चाहता हूं, आप लोग उसके लायक हो जाए और 7 दिन में आपको इसको कोई प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसके लाभ क्या है, अर्थात ये क्या कर सकता है। 7 दिन में जरूर दिखाऊंगा और मैं चाहूंगा भाई विजेंद्र जो अभी हम लोग 2 दिन से अभ्यास नहीं कर सकते तो आप आए और शीघ्रता के साथ बोलिए।